स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लोरियल हेयर स्पा के बारे में कि इसे कैसे करते हैं। जिस तरह मैं अपने सैलून में करती हूँ, उस तरह सेम वही प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोडक्ट कि इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लोरियल का हेयर स्पा रिपेयरिंग क्रीम बात है, डैमेज्ड हेयर के लिए है एंड सेंसिटाइज्ड हेयर के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके साथ है ये प्यूरिफाइंग कॉन्सेंट्रेट एंटी डैंड्रफ के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का होता है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में कोई भी क्लाइंट अपना मतलब जो भी सैलून में जो भी सर्विस हम उनको देते हैं, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम उनका वीडियो बनाएं और यूट्यूब में डालें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वही प्रोसीजर बताऊंगी सेम जो मैं अपने सैलून में करती हूँ, लेकिन पढ़ करके जो मैंने कॉपी में लिखा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और हम इजी वे में इसे कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, जब क्लाइंट आपके सैलून में आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शैम्पू करना है। क्यों ना वो घर से ही शैम्पू करके आए हों, फिर भी हमें शैम्पू करना है बालों को अच्छी तरह से। और शैम्पू करने के बाद हमें वॉश करना है, सिर्फ शैम्पू करना है और कुछ भी नहीं, कंडीशनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। जब शैम्पू हो जाए और अच्छी तरह से हेयर वॉश हो जाए, तो हमें क्या करना है, टॉवल ड्राई करना है। जब क्लाइंट के बालों से पानी टपकना बंद हो जाए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तो उनके बालों में सीरम अप्लाई करना है और फिर पैडल ब्रश से ब्रश करना है ताकि टैंगल पूरी तरह से हट जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसमें से एक बॉटल कॉन्सेंट्रेट लेना है एक बाउल में, और एक चम्मच क्रीम बाथ लेना है। दोनों को मिक्स करके हमें स्कैल्प पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस ट्रीटमेंट में हम स्कैल्प का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लेंथ का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताऊँगी कि ये जो कॉन्सेंट्रेट है, इसे हमें सिर्फ स्कैल्प पे यूज करना है, इसे हम लेंथ पे नहीं लगा सकते। और ये क्रीम बात है, इसे लेंथ पे लगाना है और स्कैल्प पे नहीं लगा सकते, ये स्कैल्प पे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों को बाउल में निकाल लेंगे, तो फिर हमें स्कैल्प पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। और जब पूरी तरह से स्कैल्प पे लग जाए, पूरे स्कैल्प पे लग जाए, तो फिर हमें क्या करना है, उसी बाउल में ये क्रीम बाथ लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में लेना है फ्रेंड, जितना कि हमारे पूरे लेंथ पे लग जाए। और फिर 4 सेक्शन निकालना है, 4 सेक्शन निकालने के बाद हमें लेंथ पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है पूरे बालों में। और जब पूरे बालों में लग जाने के बाद ये क्रीम बाथ, हमें क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक का मसाज देना है। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि मसाज देते वक्त तो क्रीम हमारे बालों में जाएगा ही, तो फ्रेंड्स उतने से क्रीम जाने से, या फिर ऐसे मतलब मसाज देते वक्त तो क्रीम जाएगा ही स्कैल्प पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आगे का प्रोसीजर देखते हैं। 10 से 15 मिनट का मसाज देने के बाद हमें क्या करना है, स्टीम देना है। और स्टीम भी ज़्यादा देर तक नहीं देना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का स्टीम देने से क्या होता है, फिर से हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का मसाज स्टीम देना है। और जब स्टीम का प्रोसीजर हो जाए, तो हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट का वेट करना है, क्योंकि हीट देने के बाद डायरेक्ट हम नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर से अपने बालों को वॉश नहीं कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर में आने तक कम से कम 10 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद हमें सादे पानी से, सिर्फ पानी से हमें अपने बालों को वॉश करना है अच्छी तरह से, और ऐसे वॉश करना है कि सारा प्रोडक्ट जो हमारे बालों में जो भी प्रोडक्ट लगा है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेने के बाद टॉवल ड्राई करना है अपने बालों को। टॉवल ड्राई हो जाने के बाद फ्रेंड, हमें क्या करना है कि ज़्यादा ड्रायर से हीट नहीं देना है, कोल्ड एयर ड्राई करना है ताकि बालों में मॉइस्चराइजर बना रहे। उसके बाद क्लाइंट को घर भेज देना है। फ्रेंड, ये था लोरियल हेयर स्पा का प्रोसीजर। फ्रेंड्स, अगर आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।